मैं आपका ध्यान इस मुहर्रम के जुलूस की तरफ दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उन सब के लिए कि आपके माध्यम से आपके मार्फत से ये दरख्वास्त करता हूँ, लोगों को धमका कर करके उसकी हाइट बंद कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की कि मैं बराबर की मस्जिद में अपने देश के तमाम मरीजों के लिए दुआ करता था और ये मेरी पहली मांग है। अगर इसको जनाब वजीर तवज्जो देंगे, हम कांवड़ यात्रा निकल रही है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मीट की मोहिबुल्ला मैं आपका बहुत मशहूर हूं, ममनून हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं पार्लियामेंट के सामने वाली मस्जिद में अपने देशवासियों के लिए सेहत की दुआ करता था, अब मुझे ये अवसर रामपुर की आवाम ने दिया है जहां से मैं चुनकर आया हूं कि उनके लिए सबसे पहले मैं उन सब के लिए ये आपके माध्यम से आपके मार्फत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि रामपुर एक बड़ा गरीब ज़िला है, वहाँ बहुत बेरोज़गारी है, इलाज के लिए लोगों को दर बदर जाना पड़ता है, मुख्तलिफ रियासतों में जाना पड़ता है और जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसकी हालत इंतहाई काबिल रहम है, जिसमें डॉक्टरों और मशीनों की बेहद कमी है। मैं आपके मारिफत से जनाब वज़ीर सेहत उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो रामपुर में एक एम्स जैसा अस्पताल और पूरे ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में ज़्यादातर मरीज़ रामपुर और उसके आसपास के ज़िलों के होते हैं और वहाँ बेहद परेशानी होती है। रोज़ाना हम बात हो रही हैं, रोज़ाना, और हम लोग सिवाय ख़त लिखने के या थोड़ा डॉक्टर भी बहुत प्रेशर में रहते हैं, वो क्या करें। इसलिए मैं आपके तवस्सुस से अपने उन इलाके और ख़ास तौर पर रामपुर ज़िले में एक ऐसा अस्पताल जो तमाम आसपास के ज़िलों के बोझ को और कैपिटल के अस्पतालों के बोझ को भी कम करे, जिसका ख्वाब माने हमारे स्वर्गीय वज़ीर आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि देश में एम्स की तरह के अस्पताल हों, मेडिकल कॉलेज हों। तो रामपुर में अगर आपके तवस्सुस से मोहतरम वज़ीर साहब फैसला लेंगे तो ये हम सब के लिए बहुत आपकी तरफ से और इस देश की सबसे बड़ी जो हमारी कानून साज असम्बली है, इसकी पार्लियामानी असम्बली है, इसकी तरफ से ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए और रामपुर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। और चूंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बराबर की मस्जिद में अपने देश के तमाम मरीजों के लिए दुआ करता था और ये मेरी पहली मांग है। अगर इसको जनाब वजीर तवज्जो देंगे तो ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा और मेरे ज़िले के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। थैंक यू इज्जत माँ सदर मोहतरमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम ने जिता करके भेजा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका ध्यान इस मुहर्रम के जुलूस की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसको कि हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने शहीद होकर के हक़ और इंसाफ को बचाने का काम किया था। लेकिन अफसोस की बात है, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संभल मुरादाबाद में भी कि उस जुलूस को मनाने में अड़चन पैदा की गई, एक तानाशाह आदेश जारी किया गया कि उस जुलूस को आप परंपरागत तरीके से नहीं मना सकते और संभल मुरादाबाद अमरोहा संभल कुंदर की बिलारी असबूरी और चंदौसी के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उत्पीड़न पैदा किया, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों को धमका कर करके उसकी हाइट बंद कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम सबके धर्मों की इज्जत करते हैं। हम कांवड़ यात्रा निकल रही है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मीट की महासचिव मैडम, आई ले ऑन द टेबल अ कॉपी ईच।